ऐसा लग रहा था कि भारत में जब से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हुई और मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब के ऐलान के बाद भारत सरकार के साथ सारे लोग हो गए, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे लोग हो गए। उसके बाद एक शांति सा लगा कि भारत एक शांति की तरफ जा रहा है, हम सब भाई बनकर इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और पिछले 10-15 दिनों से कोई धर्म ख़तरे में नहीं आया, कोई धर्म ख़तरे में नहीं आया, कोई किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा था सुबह उठकर, कोई उल्टियां नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस की दवा मिल गई है। हिंदू मुसलमान वो मीडिया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन चंद वो मीडिया जिनके पेट में मरोड़ हो रही थी, रातों की नींद ख़राब हो रही थी कि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, क्योंकि वो नफ़रतों की बुनियाद पर ही अपनी दुकान चलाया करते थे। वो नफ़रत बोला करते थे, नफ़रत खाते हैं, नफ़रत पीते हैं, नफ़रत लेते हैं, नफ़रतों पे सोते हैं। उनको मिल गया दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात, न जाने क्या क्या कह दिया। मैं पूछता हूँ कि भाई होश के नाखून लो। इटली में कौन सी तबलीगी जमात गई थी? चाइना के हुआन में कौन सी तबलीगी जमात थी? अमेरिका परेशान है, वहाँ कौन सी तबलीगी जमात थी? भारत में भी पंजाब में जो कोरोना वायरस आया, बंगाल में बाहर से ब्रिटेन से लोग आए, लंदन से लोग आए, क्वारंटाइन में भेजे गए। देखिए, तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद एक ऐसी मुसलमानों की जमात है जो सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है, सबसे ज़्यादा। मैं बता दूँ आपको, इनके जब इज्तिमात होते हैं तबलीगी जमात के, तो 20 लाख 25 लाख तो मामूली बात है लोगों का जमा होना, 50 लाख लोग जमा होते हैं, ट्रैफिक का मसला खड़ा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा नहीं होता। उस इलाके के पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक आराम से सांस लेते हैं। मैंने इज्तिमात अटेंड किए हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब के साथ मैंने, वो अपने साथ मुझे लेकर गए बिहार के इज्तिमा में, उनको पूरी मैंने तबलीगी जमात के बारे में बताया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। पूर्णिया में 25 लाख का मजमा था, वो हैरान हो गए। नीतीश कुमार साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने इतना वेल डिसिप्लिन जमात दुनिया में नहीं देखा। मैंने खुद उनको एक्सप्लेन किया था। आज ये चंद मीडिया वालों को लग रहा है और एक बिके हुए शख्स वसीम रिजवी को लग रहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है। मुझे अफसोस है, तबलीगी जमात जंगल में किसी चंबल की घाटी में नहीं है, ये दिल्ली के सीने पर बैठा हुआ है और दिल्ली हमारे भारत का दिल है। और यहाँ 1,000, 2,000, 9,000, 10,000 लोग, तो ये तो रोज़मर्रा की कॉमन चीज़ है, वो पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं क्योंकि वो शांति का उपदेश देते हैं। तबलीगी जमात ने अगर कभी गलती की होती तो 100 ईयर्स की उसकी इतिहास है, निकालिए, खंगालिए उसकी तारीख को। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब अजीत डोभाल साहब कितने बड़े इंसान हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, हम सब जानते हैं। वो अभी चंद दिनों पहले मरकज़ निज़ामुद्दीन तशरीफ़ ले गए। अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन दागी इलाका होता तो क्या हमारे अजीत डोभाल जी कभी जाते? अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन में गलत लोग होते, क्रिमिनल लोग होते, आतंकवाद लोग होते, तो क्या जनाब अजीत डोभाल साहब कभी तशरीफ़ ले जाते? अजीत डोभाल जी जानते हैं, अजीत डोभाल साहब जानते हैं कि वहाँ शरीफ लोग रहते हैं, ईमान की तरफ बुलाने वाले, दीन की तरफ बुलाने वाले, सच्चाइयों की तरफ बुलाने वाले, ईमानदारी की तरफ बुलाने वाले। तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद ऐसी जमात है जो गली गली घूम के चाय की दुकानों से, अड्डों से, क्लब से, कैरम बोर्ड से, ताश के पत्तों से, गांजा पीने वाले, चर्स पीने वाले, भाई कहकर, प्यारे कहकर, बेटे कहकर, चेहरे को चूम कर उनको मोहब्बत से बुला के मस्जिद की तरफ लाती कि देखो सच बोलो, ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, मिलावट मत करो। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे लोगों की वजह से आप किसी जमात को दागी नहीं कह सकते हैं। तबलीगी जमात दुनिया की एक साफ सुथरी जमात है। हाँ, मुझ जैसा इंसान गंदा हो सकता है, हाँ मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मरकज़ में जो लोग जमा हुए, 2,500-3,000 एक मामूली बात है वहाँ पर जमा होना, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि 2,500-3,000 लोग जब जमा हुए थे उस वक्त भारत में लॉकडाउन नहीं था। उस वक्त कोरोना वायरस दुनिया में आ रही थी मगर भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था, वहाँ मशवरे चल रहे थे। लॉकडाउन आपने स्टार्ट किया, 2,500 में 1,500 लोग जा चुके थे, 1,000 लोग अटक गए। मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के जनाब वज़ीर आज़म साहब ने लॉकडाउन अचानक किया था, कोई टाइम देकर नहीं किया था? उन्होंने क्या ऐलान फरमाया कि जो जहाँ है वहीं ठहर जाए? मैं कहता हूं, जो लोग निज़ामुद्दीन में थे उनको क्या पार्कों में जाकर टहलना चाहिए था? उनको कहां जाना चाहिए था? वो वहीं ठहर गए, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश का सम्मान करते हुए वहीं ठहर गए। अब हजरत निज़ामुद्दीन मरकज़ के बुजुर्गों ने, जिम्मेदारों ने, हजरत जी ने पुलिस को
एडमिनिस्ट्रेशन को लिख लिख कर दिया कि हमारे पास 1000 लोग मौजूद हैं, इनको भेजने का इंतजाम कीजिए। देखिए जब आदमी फंस जाता है ना, ये लोग कहते हैं ना छुपे हुए हैं, इनकी मानसिकता गंदी है। वैष्णो देवी के मंदिर में अगर लोग फंस जाए श्रद्धालु, तो हम कभी छुपे हुए का शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम कहते हैं फंसे हुए हैं। फंसने और छुपने में फर्क होता है, छुपते हैं चोर और डकैत। इसीलिए मैंने कहा कि निजामुद्दीन मरकज चंबल की घाटी में नहीं है, दिल्ली में है, वहाँ लोग छुपे नहीं फंसे हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, आर्मी की होती है, फौज की होती है। जब 370 ख़त्म करना था कश्मीर में, तो वहाँ जितने दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए थे उनको हमारी आर्मी ने रेस्क्यू करके निकाला और बाहिफाजत लाया, किसी को चोट नहीं लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारी इंसानियत महफूज रही। दिल्ली निज़ामुद्दीन के मरकज़ ने देखिए, निज़ामुद्दीन जो बंगले वाली मस्जिद है, जो तबलीगी जमात का मरकज़ है, उसके चंद कदम फासले पर पुलिस स्टेशन है। पुलिस को सब कुछ मालूम है। अगर पुलिस कहती हमको नहीं मालूम है, तब तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है पुलिस। इंटेलिजेंस के बंदे वहाँ पर हमेशा घूमते रहते हैं। आपने जब लॉकडाउन किया, हमने आपके फरमान को माना है, हम सरकार के साथ हैं, हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। दारुलूम देवबंद ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, इमारत शरिया बिहार ने, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातहुम ने, जमात इस्लामी ने, जमीतुल उलमाए हिंद ने, मिल्ली काउंसिल ने, मुशावरत ने, देवबंदी ने, बरेलवी ने, अहले हदीस ने, शिया ने, सब ने ऐलान किया कि हम लॉकडाउन को मानेंगे। उसी ऐलान की बरकत है कि आज मस्जिद में बाहर से नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, मैं अपने घर पर नमाज पढ़ रहा हूँ। दो तीन आदमी मौजिन साहब, इमाम साहब मस्जिद को आबाद रखे हुए, अगर हम नहीं मान रहे हैं तो कैसे चल रहा है।